तो भाई आज पल्टर मेरी पल्टर में से सिर्फ दो सदस्य आए हैं, डेजी एंड भोलू और नवाब और शहजादा। भोलू ने नया प्लॉट खरीदा था। शू गाइज, हमारे भोलू ने नया प्लॉट खरीदा है तो उसके प्लॉट में चल रहा है काम, तो डेली देखने आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मेरे पीछे मौसम तो सभी को दिख रहा है, एकदम धुंधुंध बारिश हुई है, कल से बारिश हुई है। मतलब तो उतनी ज्यादा लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ हो रही है और मौसम इतना ठंडा हो गया कि एसी की कूलिंग, मतलब तो एसी में अब ठंड लग रही है हमें। हमारी विश्कु तो आज कांप रही थी सुबह में जब मैंने देखा। ये दोनों भाई इतने नलायक है ना, टिपिकल हस्की। नवाब तो है ही है, ये भी बनता जा रहा है बेचारी। वो लड़की इतनी दूर से भागती हुई, शोर मचाती हुई, हाउल करती हुई आई है कि मैं आ गई, खेलने के लिए आई है। ठीक है, नवाब तो इग्नोर करता ही था उसको, अब शहजादा भी इग्नोर करने लग गया है। हस्की बनेगा तू। तो यहाँ पे पौधों को पानी भी लग गया। एक्चुअली मैंने दिया ही नहीं आज पानी, क्योंकि बारिश की वजह से पानी पूरा है पौधों में और धूप भी आ गई। और अब मैं जा रही हूँ रोहन के लिए केले लेने, तो ताश पहले जाके स्कूटी पे बैठ गया। तो मेरा ये कैप, इसकी सेटिंग, हाँ अब ठीक है। हम लोग चलते हैं, केले लेके आते हैं। पौधों का काम आज मतलब भगवान जी ने कर दिया कंप्लीट। बस एक दो बार और बारिश हो जाए, थोड़ा सा मौसम में रिलीफ मिलेगा। सुबह से गाइस हम लोग केले लेने आए, केले मिले नहीं। पेट्रोल, अब हम पेट्रोल पंप आ गए, अब हम पेट्रोल डलवाएंगे। अब हमारा प्लान बन गया कि हम ताशी कर रहे वही घूम के आते हैं। मैंने कहा चल ओडिन के घर चलते हैं। गाइस हमने पेट्रोल डलवा लिया, आए थे हम केले लेने, लेकिन अब हमारा प्लान बना कि हम ओडिन के घर घुमाते हैं, क्योंकि हमें गेड़ी मारनी है, मौसम अच्छा हो रहा है। ताशी देखो कितने बकवास कर रहा है। गाइस हमने ये न्यू घर लिया, आप देख सकते हो पीछे। तो गाइज हम लोग आ गए ओडिन के घर, नवाब का बेस्ट फ्रेंड बचपन से, जब से नवाब आया। नवाब भी 6.5 साल का है, वो भी 6.5 साल का। ओ फिग्गी आ गई, फिग्गी आ गई, पानी रख दो। ओडिन आ रहा है, अभी आ रहा है। ओडू कहाँ है? ओडू आ रहा है, ओडू आ रहा है। ओले 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 फिगू। ओडिन किधर है? ओडिन अच्छा, ओडिन मेरा बच्चा आ गया। ओडू आ गया, ओडू आ गया। ताशु इंटरेस्टेड है ओडिन से मिलने में, कह रहा है ओडिन कहाँ है? ओडिन मेरे पास आएगा ये। अच्छा आ जा, चल मैं इधर रखती हूँ। पहचान गया, पहचान गया भैया को, भैया को पहचान गया। कहाँ चली मशक चली पानी? ओजिन 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 की मूछें देखो कैसे सफेद हो गई हैं। लास्ट टाइम इसको देखा मुझे एकदम से हो गया, मैंने कहा है बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। दीदी मेरे को गार्डन बोली, मैं आओ तुम्हें अपना गार्डन दिखाती हूँ, और ओडिन ने मुझे पकड़ लिया हम करने के लिए। अब हो गया आपका। अरे अरे रिट्रीवर हो भैया, ये देखो ये रिट्रीवर्स का ये हाल देखो, ये देखो उठा ली लकड़ी। हाँ इसके नेल्स बहुत तेज लगते हैं। ओडिन प्लीज, ओडिन ओडिन नेल्स लगते हैं, बेटा नेल्स लगते हैं। ये देखो कितना सुंदर मंदिर है। हाँ दीदी कितने पागल हो रही है, लकड़ी पकड़े मेरे को लग जाएगी। फिगी मेरे को फिगी को जाना है स्विमिंग पूल में, बट पानी तो है ही नहीं, स्विमिंग पूल तो खाली है। ओडिन के घर से निकलने के बाद में हमारा सबसे पहला टारगेट क्या था ताशु? केले ढूंढना। अगर नहीं लेके गए तो जूत पड़ेंगे घर से, सारी दुनिया घुमाए केले ही नहीं मिले। तो यहाँ पे ताशु बोला कि वही मेरे को स्विमिंग पूल पे उतारते जाओ, तो मैं आ गई नवाब की दुनिया। अब मैं जाऊंगी घर। आज तो ऐसा हुआ, हम लोग निकले घर से केले लेने के लिए। ठीक है, जिन अंकल से मैं केले लेती हूँ उनके पास से कच्चे, तो हमने लिए नहीं क्योंकि वो मुंह में लगते, मुंह बंद सा जाता है। तो बस फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, शाम को भी तो आऊंगी भरवाने, अभी भरवा लेती क्योंकि पेट्रोल पंप जस्ट सामने ही है। पेट्रोल डलवाया तो ताशु बोला कि यार भाई इधर तो ओडिन का घर है। मैंने कहा हाँ, कह रहे यार मिलते चलते हैं। लो जी घर आ गए वापस और अपनी रूटीन पे लगते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह की। ताशु तो वहीं पे स्विमिंग करेगा, और अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए खाना बनाऊँ, पहले अपना तो बाद में खाएंगे, पहले बच्चे खाएंगे, उनके लिए बनाती हूँ खाना, उन्हें खिलाती हूँ, और उसके बाद में मुझे कुछ वीडियो के लिए शूट करना है, पर देखती हूँ अंश आता है। गाइस ये मैंने ओट्स का चीला बनाया था, ठीक है, ये बनाना तो छोटा था, मतलब मुझे दो चीले बनाने थे, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मैंने ये सारा बड़ा कर दिया। अब यूट्यूब पे भी कोई बता नहीं रहा कि मैं इसको पलटू कैसे कैसे, हाँ वो तो पता नहीं कहाँ ही जाएगा फिर। यार ये मैंने सुबह सुबह पता नहीं क्या उड़ता हुआ तीले दिया, और जबकि मुझे पता था कि इसके दो चीले बनाने हैं, दो बार में बनेंगे, और पता नहीं कहाँ दिमाग था मेरा, मैंने सारा पलट दिया और फैला दिया, अब ये पलटा ही नहीं जा रहा, तो मुझे लग रहा है इसकी तो भुर्जी सी बन जाएगी। तो गाइस चीला कुछ इस प्रकार बना है, मैंने हाफ काट दिया था उसकी तरह पिज्जा की तरह, तो हाफ आपके सामने दिख रहे हैं इसके चिथड़े, और हाफ है यहाँ पे, हाफ हाफ करके सीखूंगा। सुबह सुबह तीर जा रहा था ऐसे, मैंने कहा तीर इधर ले लिया। ये देखो रोहन को दो बना के दिए, दोनों के दोनों टूटे फूटे, अपने लिए बनाया एकदम गोल बन गया। बताओ ई रिक्शा आई है, ई
ही रिक्शा गई है। बेटा वो क्या कह रही है आपको नवाब? नाबू सुन बुड्ढी से, ये देखो अब छत पे गए, देखो 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 छत पे जाके भी बात कर रहा है उसको। यार क्या ही ट्रॉमा बिठा लिया मेरे बच्चे ने अपने दिमाग में। मैंने कभी नहीं देखा ना आपको ऐसे। मेरा बाबा कुछ नहीं किया बेटा, वो कुछ नहीं करेगा आपको। नवाब तो आ गया नीचे, शांत भी हो गया, उसका 2-3 मिनट का है ऐसे, वो परेशान सा होता है। और अब मैं निकल रही हूँ वो डॉग के पास उसको लेने, जिसकी सर्जरी होनी है ट्यूमर वाले की। तो ताशी और मैं जा रहे हैं स्कूटी से, क्योंकि वो स्कूटी की आवाज सुन के आता है। यहाँ पे आके मैंने बस दो तीन बार आवाज लगाई और मेरे को लगा कि शायद मिलेगा नहीं, दोपहर हो रही है तो सो रहा होगा। तो लेकिन आ गया एकदम पूछ लाता हुआ। ताशी कह रहा आज तो ठीक हो जाएगा, जितना जाएगा उसके पीछे भाग गया कि भागेगा। यार यहाँ पे तो हमारा ही पोपट हो गया, ये ना समझ गया कि मैं इसको लेके गई थी लास्ट टाइम, तो अब ये आगे आ गया, मैं पीछे पीछे हूँ। अब यार टेंशन होगी मुझे तो। अरे अभी पार्क में जा रहा है, पार्क में तो कौन ही पकड़ेगा, इतना बड़ा पार्क है, मैं कैसे पकड़ूंगी इसे। ताशु स्कूटी खड़ी कर दे, तू यही खड़ी कर दे, आते पकड़ते इसको। देख वो जा रहा, देख 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 देख, इसे ये समझ गया मेरे को पकड़ने आई है। ले बिस्किट बिस्किट बिस्किट, देखना यार धूप में क्या नचा रहा है मुझे, है। अरे यार भाई धूप हो रही है, गर्मी लग रही है। अरे यार हालत खराब हो गई हमारी, जा रहा दिख रहा है। ये देखो भाई सब कहाँ आके छुपे हैं नाली में, अब बताओ इसे नाली से निकालूंगी और गाड़ी में बिठाऊंगी। और फिर आप लोग बोलते हो हम ब्रीड प्यार से करियो भाई, ठीक है। ये सही था, ये नेगोशिएशन सही है। ले बच्चे खा ले, करा खा तो मैं लूंगा, करा खा तो लूंगा मैं। ले 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 ले, दुनिया थार किस लिए यूज करती है और हम किस लिए यूज करते हैं? दुनिया थार यूज करती है ऑफ रोडिंग के लिए, हैं? कितना सुंदर लग रहा है, चलो 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 चलो। आए हाय वाह, भूरू को रेस्क्यू। अरे ये जेरी है, बच्ची इधर कितनी सुंदर लग रही है। अब हम जेरी को और भूरू को लेके जा रहे हैं, इधर नहीं बैठना। तो यहाँ पे बैठी है जेरी मैडम, नाचो के देखो कितनी सुंदर लग रही है यार। प्लीज कोई आगे आना यार, इसको अडॉप्ट करना, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत फ्रेंडली। और इधर हमारा भूरू टाई वाई टाई लगा रखी है ब्लैक कलर की। चलो फटाफट चलो, ये देखो हमारे भूरू भाई सबको एनेस्थीसिया दे रखा है, तो अब हो गया एनेस्थीसिया का असर। तो ओटी में खुद ही जा रहा है, कह रहा मैं खुद ही चल पड़ता हूँ। यहाँ पे जेरी की कीमो डन और छोटू खिला रहा है उसे ट्रीट। और इस साइड हैं सर, वो कर रहे हैं ऑपरेशन। इधर है ओटी, तो भूरू का ऑपरेशन चल रहा है और रोहन बैठे हैं बाहर वेट कर रहे हैं। उसको एनेस्थीसिया दिया था, डाउन हो गया है वो। अब रोहन मतलब सर लेके गए हैं उसको ऑपरेशन के लिए, उसका ऑपरेशन हो रहा है, फिर वो आएगा। जेरी फ्री हो चुकी, जेरी की हम लोग ना अंदर बैठे, फिर हम बाहर आके बैठ लग रही हो सुंदर होगी। अब हमें दोनों की थोड़ी सेम हो गई। हाँ मेरे को ना पहले लगता था कि रोहन की ना जो लाइन बहुत शार्प है, मेरे को फ्लैट आ गया है क्या, भी मैं ऐसे था। मैं तो अगर ऐसे भी करती हूँ ना तब भी मेरी जो लाइन नहीं बनती, क्योंकि मेरा फेस राउंड है। अब हम दोनों, मेरे को ना एक पता है, जब बचपन में ना मेरी मम्मी 2-3 बात बोलती थी। एक तो कि बाल को ना झूंगा माथा अच्छा लगता है, तो कभी बाल ना नीचे नहीं करने दिए, ये ऐसा झूंगा पूरा सा ना बाल उड़ गए, बाल उड़ गए। अब गांव में बात होती है, यार चेहरा देखा है बालक का, गोल मटोल साला, इसको गोल को मटोल भी हो गया। वो करने में हालत खराब होती है, और फिर वो इसको जो लाइन बनाने, जो लाइन बनाने में हालत ही खराब, नहीं तो कभी नहीं बनेगी जो लाइन, ये गोल मटोल। फिर मम्मी कहती 25 साल तक वर्कआउट नहीं करना चाहिए,
छोटा रहता था साला और रिकॉर्ड करते करते चाहिए तो मेरे को तो लगा जो मैंने पढ़ा था ना सब खराब था, सब खराब है। ये देखो जेरी तो वेट कर करके सो गई और डॉक्टर भी आ गए सर्जरी करके। सर के कपड़े गंदे हो गए सारे, सब पे ब्लड ब्लड। कितना अच्छा लग रहा है इसे एसी में। ये लड़े एसी में बहुत प्यार से लगता है। देखो ये गिरा गिरा सब समझ ले रहा है। एमसी एंड एमटेक, एमसी प्लस एमटेक और बीटेक एंड एमबी। अच्छा आप आपने जॉब छोड़ ही दिया ना आप करते। ये देखो कैसे सो रही है लटकी हुई। और उधर भूरू ना एनेस्थीसिया में है थोड़ा अभी, और उसका जो ट्यूमर था वो यहाँ पे था, पूरा रिमूव हो गया, बहुत ज़्यादा था। सर के कपड़े वपड़े सब, बहुत ब्लीडिंग हुई है। और दो तीन घंटे चला है ऑपरेशन और हम लोग अभी भी बाहर ही बैठे हुए हैं। ये जब होश में आ जाएगा उसके बाद इसको लेके जाएंगे घर। और हमने खाना भी नहीं खाया आज, तो खाना तो हमारा वही शाम ही हो जाएगी खाना खाने तक। तो यहाँ पे भूरू को पकड़ रखा है भैया ने क्योंकि वो भी होश में नहीं है, और जैरी को पकड़ रखा है दूसरे भैया ने। और मुझे अब निकल रहे हैं क्लिनिक से और भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त, तो मेरे ना सर में दर्द हो गया भूख से। जाते तो जाके थोड़ा सा आगे निकले ही थे कि ध्यान आया कौन नहीं है भूरू के लिए। हमारे पास ना सारे साइज़ की कौन है लेकिन उसका ना मुँह निकल सकता है, तो मेरे पास ना ये साइज़ नहीं था बड़ा, ये वाली कौन में फिर से लेके आई। क्योंकि 5:30 और हम लोग आ गए नवाब की दुनिया में, उसको बच्चे को वहाँ पे जो अपनी जैरी है उसको ड्रॉप करने। और आशीष आए हैं मेरे लिए चीज केक लेके, ठीक है। गोला सिजलर से मेरे लिए चीज केक आया। मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खा। मैं अभी ताशु के हाथ भेज रही हूँ। चलो गाइज चीज केक इन द हाउस। कैसे होगा ऑन? पीछे ना बेटा उस पे एसी का वो होगा ऐसे टब वाले। अच्छा मेरा ना ये रहा है। प्लीज चल लो, प्लीज घर चल लो, मुझे रोटी खानी है। ये कौन सी दुनिया के प्राणी है जिन्हें सर्द गर्म हो रहा है, जिन्हें गर्मी लग रही है, जिन्हें सर्दी लग रही है? ये कौन सी दुनिया के प्राणी है? मैं इस दुनिया में नहीं आती क्या? ये मैं इस दुनिया में नहीं रहती। मैं कहाँ रहती हूँ मुझे कोई बताएगा? मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कौन हूँ? मेरा दिमाग इतना चल चुका है भूख से कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं। मेरे पास नहीं। ऐसे मिलता है ये ऊपर चढ़ चढ़ के। जाओ चलो अंदर जाओ। ये इसको अंदर है। लाइट्स ऑन, कैमरा एक्शन। आए विश्कु, सबसे पहले आके मैं निकाल रही हूँ खाना। ओ वाओ गुलाब जामुन, और ये यहाँ इनका ना चटनी वगैरह। हाँ मैं राइस बना रही हूँ ना खाना, तभी तो खाएंगे। और ये है, नहीं राइस नहीं है, और ये है सब्जी और रोटी और चीज़ केक का। एक सेकंड, चीज़ केक का भाई जिसका इंतज़ार है जो मुझे खाना। राइस यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा कट चुका है, चीज़ केक नहीं था, तो आशीष गुलाब जामुन लेके आए हैं। और मैं इसी चक्कर में थी तब से कि मैं चीज़ केक खाऊंगी, मैं चीज़ केक खाऊंगी, मेरा कट गया। तो भाई इतने मैंने शावर लिया, इतने मेरे राइस भी बन गए, रोटी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। सबसे इजी ऑप्शन लगा मुझे राइस का, राइस बना दी। आशीष ने बनाया राइस। आशीष मेरे पास आया किचन में, कह रहे कुछ हेल्प करो, मैंने कहा रोटी बना दो, वहीं से यू टर्न। पता है मैं टाइम दिखाऊं, 6:45 हम लोग कर रहे हैं डिनर, सॉरी लंच, मेरा दिमाग ही चल गया। 6:45 हम डिनर कैसे कर सकते हैं? ऑल गुड। ताशु कैसा लग रहा है भूखे रह के आज? विचको हाय सर, अटेंडेंस। आशीष जा रहे हैं खाना खा पी के, रोहन भी जा रहे हैं इधर। जैसे आशीष और रोहन गए ना तो मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, और ये देखो ये मेरा ये मेरे को मारना चाहता है तू। तो गाइज अब हम लोग निकले हैं नवाब और शहजादे को घुमाने। ताशु ने बहुत अच्छी सिकाई की मेरी, मैं ये बोलूंगी,
और सर भी बहुत अच्छा दबाया। हुआ क्या कि भूखी थी मैं और रोहन भी भूखे पेट थे, फिर एकदम से खाना खाया 5:30-6 बजे करीब, तो सर में दर्द हो गया, मतलब गैस्ट्रिक बन गई या क्या हुआ समझ नहीं आया, खाना हिट कर गया तो सर में दर्द हो गया। अभी भी मेरी आंखें ना ऐसे सूजी सूजी सी हो रही है। ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और ये गोलू और ये भोलू अब गए और ये जाएंगे कालू के पास। कालू को जाके देखो देखो देखो, ओ देखो बेचारा कालू, देख रहे हो वान्या, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वान्या की बॉडी का जो वेट है ना वो एकदम एक्यूरेट है। ताशु का क्या है कि ताशु जब मेरे ऊपर खड़ा होता है ना तो इसको बोलना पड़ता है कि भाई तू अपना वेट मैनेज कर, कैसे भी एक पैर रख एक पैर। मैं आऊंगा अगली बार तो खड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो ताशु बोला जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आप मेरे को एक पैर से भी खड़ा ही नहीं कर पाओगे। ये देखो हमारे शहजादे जी गोलू भोलू, हमारी कल्लो, और मौसम और एकदम बढ़िया बादलों वाला। मैंने शहजादे के कान भी साफ कर दिए, ठीक है अब झड़ता फिर रहा है। क्या हो गया शहजू, कानों को तेरे कानों में गैप क्यों है इतना, कानों में गैप क्यों है इतना? ये हाँ भैया की भी साफ हुए, तेरी भी साफ हुए। ये देखो मैं पानी पी लेता हूँ। कर YouTube में देख रहा है सर की मसाज कैसे करनी है, फिर कर रहा है पॉइंट्स दबा रहा है मेरे। तो मेरी आंखों का हाल आप लोग देख ही रहे हो, मेरे ना सर में दर्द है और सर में दर्द होना सीवियर हो गया, बढ़ गया। खैर ये सब तो चलता ही रहता है, मैं जस्ट अभी जाऊंगी फीडिंग करने, उससे पहले मैंने बच्चों को खाना खिला रही हूँ, बस सिर्फ नवाब रह गया, नवाब को खिला के निकलती हूँ। और रोहन खाएंगे खाना, मैं और ताशु नहीं खाएंगे, हम दोनों का आज डाइट बोल लो या कुछ ही बोल लो हम दोनों का मन नहीं है। एक्चुअली क्या है, रोहन भी थोड़ा सा ही खाएंगे क्योंकि हमने खाना ही 6 बजे खाया है, तो वो तो लंच और डिनर दोनों ही हो गया, तो मन ही नहीं है और पेट में जगह। गाइस आज का दिन तो आप लोगों ने देख लिया कितना हैप्टिक रहा और कितना स्ट्रेस वाला भी रहा, क्योंकि भूरू को एनेस्थीसिया दिया गया था, और जब भी किसी बच्चे को एनेस्थीसिया दिया जाता है ना तो मेरे को बहुत ऐसे ना धक धक हो जाती है कि जब तक वो होश में नहीं आता मैं बहुत ऐसे सांस ना ऊपर नीचे रहती है। तो थैंकफुली इसकी ना सर्जरी बहुत अच्छे से सक्सेस हुई, और अभी इसको 8-10 दिन हम अपनी कस्टडी में ही रखेंगे, क्योंकि इसके स्टिचेस जब तक हील नहीं हो जाते, और जो इसके स्टिचेस हैं बहुत ज़्यादा लंबे आए हैं। आप लोगों ने देखा इसका ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा, और उसको ट्यूमर को जब वो हटाया है ना तो मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब पे ना कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं, तो हमारा चैनल ऑलरेडी कई बार स्ट्राइक आ चुकी है। तो आप लोग बस उसके लिए प्रे करो कि वो जल्दी से हील हो जाए। और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभरात्रि।